Hello dear learners, my name is Sonee Kumari and I welcome you to my channel Intensive Study. हम क्लास 7 की NCERT की मैथ्स में चैप्टर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं. चैप्टर 4 है सिंपल इक्वेशंस. सिंपल इक्वेशंस यानी सरल समीकरण. एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है. गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. ये ठीक पहले और दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल सेम है. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे थे. इस पार्ट में हमें ये दोनों चीजें अप्लाई करनी है. जैसे कि हमारे पास है a 3n-2 is equal to 46. इसमें भी पहले आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर इक्वेशन को एकदम इक्वल रखना है. सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2 भी है और n के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में भी है. दो दो डिजिट्स हैं. पहला n के साथ -2 हो रहा है और दूसरा n के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 भी है. तो इसमें आप क्या करेंगे कि दोनों को हटाएंगे. इसके लिए आप पहले -2 को हटाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे -2 है तो मैं ऐड करूंगी 2 को. ऐड 2 टू बोथ साइड्स. ऐड 2 टू बोथ साइड्स. 3n-2 रहेगा, साथ में आप +2 भी लिखेंगे. इज इक्वल टू 46 भी रहेगा, साथ में आप अपनी तरफ से +2 भी लिखेंगे. सो -2 से +2 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर सिर्फ रह गया 3n इज इक्वल टू 46 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48. तो हमने एक स्टेप हटा दिया इसमें से. अब क्या रह गया, 3n रह गया. हमें 3 को भी हटाना है. तो 3 मल्टीप्लाई में है तो इसे मैं दोनों साइड डिवाइड करूंगी. डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स. ऑन बोथ साइड्स. सो 3n इज इक्वल टू 48 तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप इसे 3 से डिवाइड भी कर देंगे. सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया सिर्फ n. और 3 को आप 48 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, इसको डिवाइड करते हैं. 3 1 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा. फिर ये 8 लिखेंगे, ये हो जाएगा 18. 3 6 होता है 18. तो ये जो 16 है ये हमारा आंसर होगा. सो n इज इक्वल टू 16. बी पार्ट में है 5m+7 इज इक्वल टू 17. तो यहाँ पर भी आप देखिए कि m के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 ऐड हो रहा है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हटाएंगे. तो जैसे यहाँ पर +7 है तो आपको दोनों तरफ -7 कर देना है. सब्ट्रैक्ट 7, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स. फ्रॉम बोथ साइड्स. तो अगर ये 5m+7 है तो यहाँ पर -7 हो जाएगा. इक्वल 17 है तो यहाँ पर -7 हो जाएगा. +7 से -7 कैंसिल, सिर्फ रह गया 5m इज इक्वल टू 17-7, कितना होता है 10. तो ये 10 लिख लिया. अब ये क्या रह गया, अब ये 5m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसे आप कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स. क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में था तो आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 5 से. सो 5m इज इक्वल टू 10 तो रहेगा ही, दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड भी कर देंगे. सो 5 से 5 कैंसिल हो गया है, यहाँ रह गया सिर्फ m. 5 1 5, 5 2 10, सो m इज इक्वल टू 2. सो आवर फाइनल आंसर इज m इज इक्वल टू 2. सी पार्ट में है 20p/3 इज इक्वल टू 40. अब यहाँ पर p के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है. तो आप अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. इन दोनों को हमें हटाना है. तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं. अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो पहले आप वो करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं. तो इसलिए आप चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, चाहे तो पहले दोनों तरफ डिवाइड कर लें. जैसे मुझे ये 3 हटाना है तो इसके लिए क्या करूंगी, 3 डिवीजन में है तो 3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स.
सो 20p/3 इज इक्वल टू 40, ये तो रहेगा ही, साथ ही ये दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ 20p रह गया और 4 3 12 और ये पीछे एक जीरो यानी 120। तो अब ये इतना आ गया यहाँ तक, अब इसे भी मुझे 20 को हटाना है। तो 20 क्या है, मल्टीप्लाई में है पी के साथ, तो मैं इसे डिवाइड करूंगी, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। सो 20p/20 इज इक्वल टू 120/20, इसे ऐसे लिखेंगे। 20 से 20 कैंसिल, सिर्फ रह गया p, 0 से 0 कैंसिल, 2 सिक्सा होता है 12, सो आंसर है यहाँ पर 6। सो p इज इक्वल टू 6। डी पार्ट में है 3p/10 इज इक्वल टू 6, p के साथ 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 10 डिवाइड भी हो रहा है। तो आप चाहे जैसे करना चाहें, पहले मल्टीप्लाई के डिजिट्स हटा दें या पहले आप डिविजन के डिजिट्स हटा दें, आपकी मर्जी है। तो पहले मैं 10 को क्या करूंगी, 10 को हटाऊंगी। तो 10 क्या है, 10 डिविजन में है, तो 10 को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगी। सो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सो 3p/10 इज इक्वल टू 6, ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप इसे 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ 3p रह गया, 6 10 60। अब ये p के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसे मैं दोनों साइड डिवाइड करके इसे भी हटा दूंगी। सो डिवाइड बाय थ्री ऑन बोथ साइड्स। सो 3p/3, 60/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, p अकेला मिल गया, यही हमें करना था, p को सेपरेट कर देना था। अब 3 से 60 डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6 और ये 0 एज इट इज, तो क्या आया 20। सो p इज इक्वल टू 20। सो डियर लर्नर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।